नमस्कार, मैं हूँ रेनू भाटिया। न्यूज अब भारत में आपका स्वागत है। जनपद गोंडा में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में पुलिस अधीक्षक गोंडा ने जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक, थाना अध्यक्षों व जनपद की स्वाट व सर्विलांस टीम को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना जनपद की स्वाट सर्विलांस व कोतवाली नगर की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। आज रात्रि स्वाट सर्विलांस व कोतवाली नगर की संयुक्त टीम अपर पुलिस अधीक्षक गोंडा के पर्यवेक्षण में अपराधियों की तलाश में रवाना हुई थी। तभी मुखबिर खास की सूचना पर गुरुदेव आश्रम के पास से थाना धानेपुर में स्थित सतनामी पुरवा राम जानकी मंदिर में मूर्ति चोरी व डकैती करने जाते समय बोलेरो यूपी 33N1003 सवार 6 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनकी जमा तलाशी से अभियुक्त करिया सिंह के पास से 1 अदद देशी तमंचा, 22 बोर में 5 अदद जिंदा कारतूस व 1 अदद खोखा कारतूस, अभियुक्त रोहित सिंह के पास से 1 अदद देशी तमंचा 315 बोर में 1 अदद जिंदा कारतूस व अभियुक्त राजकुमार धरूक के पास से 1 अदद देशी बंदूक में 3 अदद जिंदा कारतूस बरामद हुआ। कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्त गणों द्वारा बताया गया कि वे लोग ठाकुरदास पुरवा स्थित राम जानकी मंदिर, जिसमें अष्ट धातु की मूर्तियां रखी हैं, वहां डकैती कर मूर्तियां लूटने की योजना बना रहे थे और इसके अतिरिक्त जनपद सिद्धार्थनगर के बढ़नी क्षेत्र राम जानकी मंदिर व करनैलगंज में संतोषी माता मंदिर में भी मूर्ति चोरी करने की योजना काफी दिनों से बनाई जा रही थी। इसी क्रम में कई बार रेकी की जा चुकी थी। पुलिस बल द्वारा अलग अलग कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्त के द्वारा बताया गया, राजकुमार धरूक व अजितेश कुमार ने बताया कि वे लोग काफी दिन पूर्व मनकापुर के आगे एक मंदिर से एक अष्ट धातु की जानकी देवी की मूर्ति चोरी किया था। इस मूर्ति को बेचने के लिए काफी दिनों से तालिब अंसारी के माध्यम से करनैलगंज के सोनार जावेद को मूर्ति के दोनों हाथ काटकर सैंपल दिया था। सैंपल जावेद द्वारा कन्फर्म करने के बाद मूर्ति जावेद को दे दी गई थी। वो मूर्ति इस समय करनैलगंज के जावेद के पास है। अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस बल द्वारा अभियुक्त जावेद को करनैलगंज से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अष्ट धातु की जानकी जी की मूर्ति कीमती लगभग 5 से 7 करोड़, जिसके दोनों हाथ कटे हुए हैं, बरामद की गई। अभियुक्तों को थाना कोतवाली नगर में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। बीती रात्रि में स्वाट टीम व कोतवाली नगर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में 7 व्यक्तियों को अरेस्ट किया हुआ है, जिनसे 3 अवैध असलाह व 1 अष्ट धातु की मूर्ति, जिसकी कीमत 5-7 करोड़ के आसपास हो सकती है, इसको बरामद किया है। अभियुक्तों से ये 7 अंतरजनपदीय मूर्ति चोरों का गैंग है और ये जो है यहाँ थानेपुर में सतनामी मंदिर में चोरी करने के लिए योजना बना रहे थे, जैसा कि इन लोगों ने स्वीकार किया। और इसके पूर्व भी ये मनकापुर के आगे खुड़ारे के पास किसी मंदिर से चोरी कर चुके हैं, जिसकी पुष्टि की जा रही है। ये अष्ट धातु वहीं की बताई जा रही है, ये जानकी जी की मूर्ति है जो, और इनका सिद्धार्थनगर के वर्णी क्षेत्र का राम जानकी मंदिर और कर्नलगंज में संतोषी माता मंदिर था, ये भी इनके प्लानिंग में था कि जिससे ये मूर्तियां चुराते हैं। ये बहुत ही 7 अंतरजनपदीय मूर्ति चोरों का गैंग है, इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। सर की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री अभी पता की जा रही है, चूँकि ये रात में ही अभी पकड़े गए हैं, इनमें से ज़्यादातर की क्रिमिनल हिस्ट्री है। अभी पूरी अन्य थानों से क्रिमिनल हिस्ट्री संग्रह करके माननीय न्यायालय में प्रेषित की है। मूर्ति की कीमत क्या है बाजार में? बाजार में 5-7 करोड़ इसकी कीमत बताई जा रही है, क्योंकि ये एक तो नंबर 1 एंटीक है और अष्ट धातु की है, जिसमें ज़्यादातर मात्रा स्वर्ण की रहती है। गाड़ी भी बरामद हुई है इनसे? गाड़ी इनसे एक जो जिस गाड़ी में ये लोग सवार थे वो बोलेरो गाड़ी है और उसको भी बरामद किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत। देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज हब भारत को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और जी हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं।